नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 24 मई और समय हो गया दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का। दोस्तों आपको बता दें, इस करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसे हम सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें से एक प्रश्न आपके लिए होगा जो कि पिछला सेशन पर आधारित होगा, जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ सुझाव है आपके पास जिससे हम इस सेशन को और बेटर तरीके से ला सकते हैं आप सभी के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछला वीडियो देखने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारा वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट पर इंडिया स्पेन के विश्लेषण के मुताबिक देश के करीब 80% पुरुष और जितने प्रतिशत महिलाएं मांसाहारी हैं वह है दोस्तों 70%। आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2015-16 की जो रिपोर्ट जारी की थी उस पर इंडिया स्पेन ने विश्लेषण किया और बताया कि देश में करीब 80% पुरुष और 70% महिलाएं जो हैं वो मांसाहारी हैं। जिस राज्य सरकार ने राज्य में निपा वायरस से मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है वह राज्य है केरल सरकार। आपको बता दें दोस्तों, केरल सरकार ने निपा वायरस से मारे गए परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अमेरिका द्वारा वेंजुएला के खिलाफ 21 मई 2018 को नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के जितने शीर्ष राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है उनकी संख्या है 2। अमेरिका द्वारा वेंजुएला के खिलाफ जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है उसके बाद जो वहाँ वेंजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने अमेरिका के 2 शीर्ष राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में जिस राज्य के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत तालीम दी जाएगी वह राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब मदरसों में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की तालीम दी जाएगी। आईसीआरए यानी इकरा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी 2017-18 की चौथी तिमाही में 7.4 रहने का अनुमान जताया गया है। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट गुजरात में एक बिजली संयंत्र के खिलाफ भारतीय ग्रामीणों की एक अपील पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है वह देश है दोस्तों अमेरिका। आपको बता दें अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट गुजरात में एक बिजली संयंत्र के खिलाफ भारतीय ग्रामीणों को ने एक अपील की थी उस पर सुनवाई करने के लिए उसने अपनी सहमति दे दी है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में अप्रैल 2018 तक नकदी का प्रवाह नोटबंदी से पहले के स्तर 7% अधिक हो गया है, यानी कि नोटबंदी का जो मार झेल रहा था हमारा देश उसमें अब 7% की वृद्धि हुई है, तेजी आई है। जिस एजेंसी द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता पर कराए गए सर्वेक्षण में भारत 145वें स्थान पर रहा है वह है दोस्तों द लासेंट, और आपको हमने इस टॉपिक पे पहले भी बताया है। इन्हें हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है ओल्गा टुकरजुक। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा यह कहा गया कि जीएसटी के कारण भारत की विकास दर जो है वह धीमी है वह है संयुक्त राष्ट्र। बता दें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत जो है उसमें विकास दर जो है धीमी है उसके कारण है आपका जीएसटी। वह कैबिनेट मंत्री जिन्होंने विराट कोहली, साइना नेहवाल और ऋतिक रोशन को फिटनेस चैलेंज दिया है वह है राज्यवर्धन सिंह राठौर। आपको बता दें दोस्तों राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वह खेल मंत्री हैं। इन्हें हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वह है अमित खरे। और दोस्तों मैंने आपको इनके बारे में पिछला सेशन में भी बताया था कि अमित खरे को IB का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। दोस्तों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा, अब बारी आती है आज के 12 प्रश्नों का, जिसमें से आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और दोस्तों आपको बता दें वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इकरा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी 2017-18 की चौथी तिमाही में कितने पर पहुंचने की उम्मीद है? तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं, 7.4, 7.2, 6.6 या फिर 5.6%। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 7.4। कंपनियों के बेहतर लाभ और रबी की अच्छी फसल से 2017-18 की जनवरी से लेकर मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है उसमें वृद्धि होकर और ये जो सुधर कर होगा 7.4 रहने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात आती है ICRA यानी इकरा, तो आपको बता दें इकरा जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1991 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो है गुरुग्राम इंडिया में।
और इसके सीईओ जो है वो है नरेश ठक्कर। आपको बता दें इसका जो ओरिजिनल नेम है दोस्तों वो है इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता पर कराए गए सर्वेक्षण में भारत 145वें स्थान पर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने आपको पिछला सेशन में भी पूछा है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं, ओल्गा टोकरजुक, केविदा आत्रेयो, सासा पेत्रोविच या फिर मिखाइल दमित्रीदेव। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ओल्गा टोकरजुक। दोस्तों आपको बता दें कि पोलैंड की साहित्यकार ओल्गा टोकरजुक जो है उन्हें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें फिक्शन उपन्यास फ्लाइट्स के लिए दिया गया है। दोस्तों कुछ मैन बुकर प्राइज के बारे में आपको बता दें कि मैन बुकर प्राइज जो है यह 1969 में अस्तित्व में आया था और पहले इसे बुकर मैकोनल प्राइज कहा जाता था और इसे सिंपली हम लोग कहते थे बुकर प्राइज। लेकिन इसे आपको बता दें इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है मान बुकर प्राइस। ठीक है, मान बुकर प्राइज इसे कहा जाता है और सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था 1969 में दिया गया था और ये जो दिया जाता है वो मान ग्रुप के द्वारा दिया जाता है और जो लोकेशन है दोस्तों वो गुल्ड हैल लंदन में इसे दिया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा यह कहा गया कि जीएसटी के कारण भारत की विकास दर जो है वह धीमी है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूनिसेफ या फिर आईएलओ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा तो हम लोगों को देखना है इसके बारे में, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ। दोस्तों आपको बता दें यूनाइटेड नेशन जो है वह अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कैलिफोर्निया और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। इतना कुछ आपको पता है लेकिन यहाँ पे कुछ और तथ्य हैं जो कि आपको जानना चाहिए दोस्तों कि यूएनओ ने रिपोर्ट जारी किया और बताया कि जीएसटी जो है और उसकी व्यवस्था और बैंक की कर्ज वसूली की समस्या से देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो 2017 में गिरावट आई लेकिन इसे धीरे धीरे इसमें सुधार की उम्मीद जताई गई है। और बात आती है विश्व बैंक की दोस्तों, तो बता दें आपको कि वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है और ये अस्तित्व में आया था जुलाई 1945 में। इसमें टोटल 189 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं जिम योंग किम। वहीं बात करें अगर यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ के बारे में आपको बता दें दोस्तों यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और ये अस्तित्व में आया था 11 दिसंबर 1946 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसके प्रेसिडेंट हैं टोरे हेटरम। वहीं बात आती है आईएलओ का, तो आईएलओ के बारे में आपको बता दें दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और यह अस्तित्व में आया था 1919 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं अगर बात करें हेड का तो है गाय राइडर। आपको बता दें दोस्तों 1969 में आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज मिला था और जो मिला था किस लिए दिया गया था, दिया गया था इम्प्रूविंग पीस अमॉन्ग क्लासेस परस्यूइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स, इसके लिए दिया गया था। तो इतना कुछ आप जरूर पता रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने विराट कोहली, साइना नेहवाल और ऋतिक रोशन को फिटनेस चैलेंज दिया है। सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, राजवर्धन सिंह राठौर। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा राजवर्धन सिंह राठौर। आपको बता दें कि ओलंपिक रजत विजेता रह चुके खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने देश फिटनेस को लेकर जागरूकता अभियान के तहत व्यायाम करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उन्होंने विराट कोहली, साइना नेहवाल और ऋतिक रोशन को फिटनेस चैलेंज दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अरविंद कौशिक, सचिन मलिक, अमित खरे या फिर विपिन मलिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अमित खरे, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। किस देश का सुप्रीम कोर्ट गुजरात में एक बिजली संयंत्र के खिलाफ भारतीय ग्रामीणों की एक अपील पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है। इसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं अमेरिका, नेपाल, चीन और रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, अमेरिका। आपको बता दें कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट गुजरात के एक बिजली संयंत्र के खिलाफ भारतीय ग्रामीणों की एक अपील पर
सुनवाई करने को सहमत हो गया है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों अमेरिका के बारे में, तो आप सभी को पता है कि अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है, और जो लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क। उसके साथ साथ बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और वहां की करेंसी जो है वो है यूएस डॉलर। बात आती है दोस्तों नेपाल का, तो नेपाल के बारे में आपको बता दें कि नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है। प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी हैं, और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। करेंसी की बात करें तो वह है नेपाली रूपी। वहीं बात करें चीन की, तो चीन के बारे में आपको पता है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, चीन का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग है, और करेंसी जो है रेनबेबी और युआन है। उसके बाद आता है रूस यानी रसिया। रसिया के बारे में आपको पता है कि इसका कैपिटल जो है मॉस्को है, प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है, और करेंसी है रूबेल। तो इतना कुछ तो आपको पता होना चाहिए इन देशों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में अप्रैल 2018 तक नकदी का प्रवाह नोटबंदी से पहले के स्तर कितने प्रतिशत अधिक हो गया है? 10%, 12%, 20% या फिर 7%? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो हम लोगों ने देखा है 7%। आपको बता दें कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में अप्रैल 2018 तक नकदी का प्रवाह जो है नोटबंदी से पहले के स्तर से 7% जो है अधिक हो गया है। और बात आती है दोस्तों आरबीआई की, तो आपको बता दें आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो मुंबई में है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर की बात करें तो वो है उर्जित पटेल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट पर इंडिया स्पेंड के विश्लेषण के मुताबिक देश के करीब 80% पुरुष और कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो मांसाहारी हैं? 70%, 50%, 60% या फिर 40%? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 70%। आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट पर इंडिया स्पेंड ने विश्लेषण किया, और उसके मुताबिक देश के करीब 80% पुरुष और 70% महिलाएं जो हैं वह मांसाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने राज्य में नीपा वायरस से मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है? बिहार सरकार, पंजाब सरकार, केरल सरकार या फिर झारखंड सरकार? दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा केरल सरकार। आपको बता दें कि केरल सरकार ने राज्य में नीपा वायरस से मारे गए लोगों को करीब 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और दोस्तों आपको बता दें जो नीपा वायरस है ये चमगादड़ से फैल रहा है, और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों केरला के बारे में, जो केरला का कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, और वहीं अगर बात करें दोस्तों गवर्नर की तो है पी सदाशिवम, और जो वहाँ के सीएम है दोस्तों वो है पिनाराई विजयन। और बात करें कुछ वहाँ के उपनाम का, तो है दोस्तों स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लैंड ऑफ कोकोनट कहा जाता है, और गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ 21 मई 2018 को नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के कितने शीर्ष राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? 3, 2, 4 या फिर 7? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है 2, ऑप्शन बी। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ 21 मई 2018 को नया प्रतिबंध लगाया गया, और इसका घोषणा के बाद ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के 2 शीर्ष राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो बात आती है दोस्तों वेनेजुएला का, तो बता दें वेनेजुएला का जो कैपिटल है दोस्तों वह है काराकस, और लार्जेस्ट सिटी जो है वो भी है काराकस। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दोस्तों वो है स्पेनिश। प्रेसिडेंट की बात करें तो है निकोलस मादुरो, जो कि आप लोगों ने देखा, और करेंसी है ओलिवर फ्रूटे। और बात आती है अमेरिका का, जिसपे लगाया गया है, जिसके राजनयिकों को हटाया जा रहा है, वो है उसका कैपिटल जो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, और लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, और करेंसी की बात करें तो वो है यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत तालीम दी जाएगी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत तालीम दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है राम नाईक, और वहीं बात करें चीफ मिनिस्टर की तो वो हैं आपके योगी जी, ठीक है, आप सभी को पता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।